Hey guys, welcome back to the channel again. और आज कल तो सामान हमें मिला नहीं था, तो आज फिर सोच रहा हूँ कि जाके सारा, क्योंकि सोच तो कह रहा हूँ कि लेके तो आना ही पड़ेगा, यहाँ पे रह रहे हैं कर रहे हैं तो सामान ही नहीं है। और कल रात को इतनी तेज़ बारिश आई, इतना तेज़ तूफान हो रहा है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, वो देखो कैसे कर ले, बादल हो रहे हैं। आपको कह रहा था ना कि आपको कभी बाद में दिखाऊंगा, तो देखो ये घर का ऐसे सीधा रोड है यहाँ पे, और मतलब सीधा कोई भी ये तो क्रॉस वॉक है, जो मतलब जो जहाँ से वॉकर कैब है उधर जा सकते हो, और सीधा आप यहाँ से पीछे आ जाओ, कोई दरवाज़ा नहीं, गेट नहीं, इनका तो टूटा पड़ा हुआ है, पर आप चाहो तो लगा सकते हो। वैसे इधर पता नहीं लोग किसी ने ब्रेड डाली हुई है, ये देखो ये साइड वाला घर है, ये पीछे भी घर है सारे अलग अलग, यहाँ पे भी मतलब अगर ऐसे देखोगे तो सुंदर बहुत है यार कनाडा, मतलब बहुत सुंदर है। और अभी तो ये टाइम भी सबसे अच्छा है वैसे यहाँ पे आने का, अगर कोई ऐसे घूमने के लिए आने के सबसे प्लान कर रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा है। बस अभी निकलूँगा क्योंकि आज वॉलमार्ट भी जाना है, और एप्पल का तो मैंने ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन, तो वो तो अभी कुछ दिन बाद आएगा, जो भी मैपो जिस कन्फिग्रेशन का मेरे को चाहिए था वो अवेलेबल था नहीं, ना ही वो कलर अवेलेबल, तो अभी मैंने उसको कर तो दिया है, और कुछ टाइम के बाद वो आ जाएगा, फिर उसको जाके पिकअप करके ले आएंगे, तब वो उसका मैं वीडियो तो ऑब्वियसली बना ही दूंगा। चलो मैं शूज़ वगैरह पहनता हूँ और फिर चलते हैं। ये देखो किसी किसी पर खड़े यार, ये SI वाली है, स्पोर्ट्स वाली, मस्त लग रही है, टायर्स देखो इस पर। प्रिंट आउट कराने के लिए दो तीन जगह ही हैं, एक स्टेपल्स करके एक जगह है, एक और ऐसा एक स्टोर है, और उसमें कितना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं प्रिंट्स, मतलब 70-80 सेंट का या एक एक डॉलर का एक एक प्रिंट, मतलब 64 रुपीज़ का एक पेज प्रिंट होना। जैसे लाइब्रेरीज है ना, जैसे ये वाली है, तो क्या होता है कि इनके अंदर भी प्रिंटर होता है, तो आप उस प्रिंटर पर प्रिंट निकाल सकते हो। उसमें मेरे से यहाँ पर 15 सेंट्स चार्ज कर रहे हैं, वो अभी कोई कर रहा है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, बट आप ऐसे करके फिर आप थोड़ी सकते हैं पैसा बचा सकते हो, क्योंकि मेरे को 50-60 पेज प्रिंट लेना है, तो 60 पेज प्रिंट हो रहा है $9 में। ठंड बहुत ज़्यादा है आज बार, ये स्क्वायर वन के पास में ये एक जगह जहाँ पे मैं आया हूँ, तो मतलब लाइब्रेरी है यहाँ छोटी सी एक, यहाँ का वॉलमार्ट आ गया हूँ अभी, जो बचा कुछ सामान उस दिन नहीं मिला था वो ढूंढ रहा हूँ कि अगर मिल जाए तो। ये देखो मैं चिप्स दिखा रहा था, ये चिप्स का पैकेट का साइज़ देखो, मतलब ये ऐसे यहाँ रखता हूँ, देखो ये मेरा हाथ है, $5 के हैं। फिर ये खाने पीने में क्वांटिटी ज़्यादा ही रहती है हर चीज़ की, काफ़ी कुछ है ड्रिंक्स और ये सब, ये चीटोस के बड़े पैकेट पड़े हैं, लोगों को बहुत पसंद है ये चीटोस यहाँ। और ये देखो अच्छे जूस, ये ढाई लीटर जूस है $5 का, ऑरेंज जूस फ्रेश जूस है, तो अपने ये रख लेते हैं। यहाँ पे सब में हर टाइप का मीट तो अलग मिल जाएगा, ये देखो ये सारे आपको फ्रोजन पिज्जाज की वैरायटी, $60 का फ्रोजन पिज्जा, पता नहीं क्या क्या फ्लेवर्स हैं इसमें, ये पता नहीं ब्रेड हैं, गार्लिक, मतलब जो भी सोच सकते हो सब कुछ है इनके पास, पता नहीं कहाँ खा कौन रहा है। ये देखो यहाँ आइसक्रीम का साइजेस दिखाता हूँ, ये देखो वनीला आइसक्रीम, वैरायटी देखते जाओ बस, ये ओरियो की कोई है, पॉपसिकल लॉलीज, और ये दूध देखो ऐसे आता है यहाँ रेगुलर, 3 के बंडल में 3 लीटर आते हैं ये, इसके लिए आपको पिक्चर चाहिए होता है एक प्लास्टिक का, वो दिखाता हूँ मैं कैसा होता है, ये लगभग $6 का, उसको भी रख लेते हैं। देखो 6-6.5 डॉलर के गुलाब जामुन, करीज, इडली सांभर, इन सब की प्राइस ऐसा था। और वो दूध का बता रहा था ना, ऐसे मग लेने पड़ते हैं इसके अंदर, वो दूध के जैसे उसके अंदर 3 है ना, तो एक पैकेट आ जाता है और फिर आप उसको मस्त यूज़ कर सकते हो, जूस वगैरह ले ही लिया। ये तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ये नहीं ले रहे, और ये कैंस का सेट है 2 for 13, इसमें 30 कितने हैं,
12 कैनिस्टर्स हैं इसमें, इसको डाल लेते हैं एक को $100 के 1800 रुपये की कॉफ़ी ले ली है। टिम हॉर्टन्स की भी थी, नेस्कैफे की भी थी। नेस्कैफे की सही लगी मैं बोला था तो मैंने बोला ये थोड़ी कड़वी सा था कि उसकी। और ये देखो ये सीरियल्स की वैरायटी 4, 5, 6 इस रेंज में सारे के सारे सीरियल्स हैं। काफ़ी लोग अलग अलग टाइप के खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स और सारे टाइप के अलग अलग। और अपने यहाँ पे ना मतलब मान लो कि 85-90% जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे अपने इंडियन हैं। पंजाबी सबसे ज़्यादा पंजाबी मतलब सब पंजाबी में ज़्यादातर यहाँ बात कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हैं लोग इधर पंजाब के। हर चीज़ का अलग अलग टाइप का ऑयल भी है, आपको नट्स का चाहिए पता नहीं क्या क्या है, सारे पिकल्स हो गए जो स्टोर्ड पिकल्स होते हैं ना। जालपीना तो मैं ले गया इसमें से। ये देखो 148 की मैगी है, थोड़ी पैकेजिंग वगैरह अच्छा लग रहा था, लगभग 100 रुपये की 4-25 रुपये की एक, ठीक है ले लेते हैं। अलीन वॉलमार्ट में थोड़ी इंडियन ऑयल है तो यहाँ पे ये देखो मदद रेसिपी और ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे चाय मिल रही है यहाँ। ये देखो चिप्स मिल रहे हैं बट बहुत महंगे हैं, बहुत ही महंगे मिल रहे हैं यहाँ पे। इंडिया की चीज़ सब मतलब 2 गुना से 3 गुना है। थोड़ा राजमा तो ले लिए मैंने। ये देखो प्री कट फ्रूट्स हैं यहाँ पे $8 के, बहुत ही महंगे हैं यहाँ पर मतलब इंडियन के हिसाब से। उसमें देखो ये पाइनएप्पल कटा है काफ़ी साफ सुथरा। इधर जूसेस हैं, जूस बहुत पीते हैं, हर चीज़ की वैरायटी है। ये देखो संतरे ऐसे काट रखे हैं $9 के। अब इधर आपको लूज लेना तो वैसे ले सकते 1.23 kg के, 1.23 kg 56 सेंट्स के, 58 सेंट्स। आप शायद ऑप्शन नहीं होती आपको अलग से लेने की। इधर ये सारे हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। ये देखो कितनी सारी टाइप की कुकीज़ हैं, 5-6 डॉलर की। तो हर चीज़ का ये कुकीज़ नहीं सॉरी वो हैं मफिन्स। और ऐसे देखो यहाँ ये भी नान मिलते हैं, नान है ये है $2 के 5 पीस। ये केक्स हैं मैंने पिछली बार भी दिखाया था $2, 4, $7। ये देखो ब्रेड्स के भी साइज मतलब छोटी ब्रेड चाहिए वो है ही नहीं, $2 की ब्रेड। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये देखो ये पर पाउंड हो गया तो 4.34 लगभग 250 रुपये ये वाले हैं। और ये भी उतने के ही हैं। और टमाटर का साइज देखो मेरा हाथ में, देसी ले लेते हैं यार, ये देसी हाइब्रिड है बेबी टमाटर का। $4 का गार्लिक की पक्को पूरी बनी बनाई पेस्ट मिल जाती है देखो, तो फिर आपको लहसुन लेके छील लें और उसका झंझट खत्म। ठीक है ये अच्छे होगा फ्रेश होगा। ये वाला पूरा मीट सेक्शन हो गया, हर टाइप का मीट और पता नहीं यहाँ तो सब खाते हैं तो मतलब हर टाइप की हर वैरायटी में आपको मिल जाएगा, चिकन बीफ मीट पोर्क पता नहीं सब कुछ है यहाँ से। तो ज़्यादा अपने को कुछ लेना है करके फिर आपको बताता हूँ कि टोटल कितना है। यहाँ पे ऐसी सेल्फ चेकआउट वाली चीज़ें होती हैं तो जैसे ये मेरा सामान है तो इस पर बस मेरे को QR कोड ढूँढना ये रहा तो ये इसने स्कैन कर लिया था मेरे को ये रहा मैं इसमें रहा एक अब ये मेरा यहाँ टोटल बन गया है 9316 का। इसको डाल पे कर लेते हैं 9316 का अप्रूव्ड। ये हो गया पेमेंट। झोला टांग लिए देखो दोनों हाथों से और अब बस घर की वॉक है। तो ये दिखा रहा था आप लोगों को देखो ये F-150 देखो कितना बड़ा ट्रक है। अब यही चीज़ सामने शेवी का कितना बड़ा ट्रक है। हाँ जी तो मैं आ गया रूम वापस और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे। कल मैंने बताया था ना बहुत बारिश हुई तो उसके बाद से तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, आपने देखा ही होगा बाहर पूरे टाइम हवा चलती थी। तो जो मेरे काम थे बैंक का काम था वो भी हो गया और कुछ प्रिंटआउट लेने थे वो हो गए और ग्रोसरी लेनी थी वो हो गई। तो सारा जो मेरा काम था वो तो पूरा हो गया है। देख लो लगभग 5,500-6,000 की ग्रोसरी आ गई है। और देखा आपने कितना बेसिक सा सामान लेके आया हूँ मैं, ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें कि बहुत ऐसे कोई महंगी चीज़ें कुछ भी नहीं लेके आया, सिंपल दूध ब्रेड रोटी ये सब टमाटर वगैरह ये सब। तो देखो आप इसकी इतनी प्राइस है यहाँ पर चीज़ों की
महंगाई जरूर है यहाँ पे, ऐसा लगता नहीं तो है, जब इंडियन करेंसी में खर्चो तो काफी लगता है। तो चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं ऐसे और बनाता रहूंगा वीडियोस अलग अलग जगह जहाँ भी जाऊँ जो भी करूँ उसके रिगार्डिंग में। तो चलो गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।